लग्जरी चाहिए तो मर्सिडीज, परफॉर्मेंस चाहिए तो बीएमडब्ल्यू, और दोनों चाहिए तो ऑडी ले सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी 360 डिग्री कैमरा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका स्टार्टिंग का मन है लग्जरी ब्रांड में अगर एक चाहिए, इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं CG04 कार्स। सामने अपने मर्सिडीज की ए क्लास। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं ये गाड़ी कैसी है, कौन से प्राइस पॉइंट में आती है, क्या इसका वैल्यू है, और क्या इसको कंसिडर करना चाहिए, या फिर इस बजट में आपको और कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है मर्सिडीज में ही या फिर अदर ब्रांड्स में ही, देखने वाले हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले गाड़ी की बात की जाए तो यार ए क्लास जो है सबसे पहला स्टार्टिंग सेगमेंट आ जाता है सीडान सेगमेंट में। मर्सिडीज की अगर बात करें, एसयूवी में जाना तो आपको जीएलए का एक ऑप्शन मिल जाता है स्टार्टिंग रेंज में। मर्सिडीज के सीडान में जाना तो आपको क्या ए क्लास का ऑप्शन मिल जाता है, ए क्लास 200D। बेसिकली गाड़ी जो है पेट्रोल और डीजल में ही आता है और अदर इसके कोई भी ऑप्शंस नहीं है। पेट्रोल में जाएंगे तो 200 का ऑप्शन मिलेगा और डीजल में जाएंगे तो ए क्लास 200D का ऑप्शन मिल जाता है। गाड़ी में कलर ऑप्शंस आपको 4 से 5 देखने को मिल जाते हैं। कलर के ऑप्शन के साथ साथ आपको इंटीरियर का भी वैसा ऑप्शंस मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी के सारे कलर्स में आपको इंटीरियर जो है बेज कलर में मिल जाएंगे, और ये सिल्वर कलर में आपको इंटीरियर जो है आपको पूरा ब्लैक्ड आउट मिलने वाला है। सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें, यार इसका फ्रंट लुक ना मेरे को थोड़ा इतना एग्रेसिव लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि AMG किट लगा हुआ है। तो AMG में जैसा आपको लुकआउट मिलता है वैसा इसमें मेरे को लग रहा है एज ऑफ नाउ। बेसिक से बेसिक गाड़ी ये आती है। स्टार्टिंग प्राइस की मैं बात करूँ, ये पेट्रोल में जाएंगे तो आपको 46 लाख समथिंग पड़ जाएगा, एक शोरूम में बता रहा हूँ, और डीजल में जाएंगे तो आपको 48 समथिंग पड़ जाएगा। फ्रंट लुक जैसे कि आप देख रहे हैं मर्सिडीज़ का, ऑलमोस्ट मर्सिडीज़ का सेम फ्रंट लुक रहता है, और फ्रंट में ये मर्सिडीज़ का मेन लोगो, और यहाँ पर मर्सिडीज़ बेंच की बैजिंग आपको मिल जाती है, और ऐसा कुछ ग्रिल आपको पैटर्न दिया गया है, मैट में दिया गया, कोई भी पियानो ब्लैक का यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको कोई भी 360 डिग्री कैमरा आपको नहीं मिलेगा। मर्सिडीज़ का फेमस यहाँ पर आपको हाई बीम LED हेडलैम्प्स मिल जाता है। मर्सिडीज़ की बैजिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये आपको लो बीम के लिए अलग प्रोजेक्टर सेटअप, और हाई बीम के लिए यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर सेटअप दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है LED DRL, ये आपका सेम इंडिकेटर का भी काम करता है। जैसे कि आप लॉक अनलॉक करेंगे, ये देखिए ऐसा कुछ आप लॉक अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे आपको बढ़िया सा जलता हुआ मिल जाएगा। साइड लुक की बात करें, ओवरऑल यहाँ पे आपको 2700mm का कुछ इस गाड़ी में आपको व्हील बेस मिल जाती है, और टायर साइज़ की बात करें यहाँ पे आपको मिल जाता है 205/55R17 इंच की यहाँ पे आपको अलॉय व्हील दिए जाते हैं। चारों व्हील जो है यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ अलॉय व्हील का डिज़ाइन मेरे को उतना कुछ खास लगा नहीं यार। 48 लाख आप रुपीज़ दे रहे हो, एक शोरूम की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन रोड मोटा मोटा 55-60 समथिंग चले जाएगा ये गाड़ी, तो मतलब उसमें भी आपको अलॉय व्हील इसमें कुछ खास मेरे को मज़ातर नहीं आया है। बाकी कलर की बात करें, कलर नो डाउट बहुत प्यारा लग रहा है, सिल्वर कलर जो है मेरा पर्सनली फेवरेट भी लगता है, और सिल्वर के साथ और ब्लैक टोन अगर मिल जाता है गाड़ी में चार चांद और लग जाते हैं। सबसे पहले गाड़ी के रूफ़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्लैक डॉट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सनरूफ जो है दिया गया है। सनरूफ नॉर्मल गाड़ी से आपको पूरा पैनोरामिक तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको नॉर्मल गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा ओपन हुआ दिख जाएगा। चाबी की बात करें, चाबी एज यूजुअल वही सभी मर्सिडीज़ में आपको मिलता है, GLS GLA में आपको अलग मिलता होगा, लेकिन इस स्टार्टिंग रेंज की मर्सिडीज़ में आपको ऐसा बेसिक लॉक अनलॉक बूट का यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। और मर्सिडीज़ की ई क्लास में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ लॉन्ग व्हील बेस के साथ ये ज़्यादातर आती है। भाई इससे अच्छा एक मैं मतलब इसी मर्सिडीज़ में अगर जाऊँ तो थोड़ा सा प्राइस इतना दे ही रहा हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा के मैं ई क्लास या फिर GLA या फिर GLS में भी GLE में भी जा सकता हूँ SUV सेगमेंट की गाड़ियों में। तो एज सच ये अगर आपका स्टार्टिंग का मन है लग्जरी ब्रांड में अगर एक चाहिए, इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते। फ्रंट में यहाँ पे आपको 6 पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं, साइड में भी यहाँ पे आपको दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल्स दिख जाते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल, और यहाँ पे आपको बढ़िया सा LED इंडिकेटर दिया जाता है। जैसे लॉक अनलॉक करेंगे तो इसके जो व्यू है ना मिरर व्यू, इसका काफ़ी क्लैरिटी के साथ आपको देखने को मिलता है। और ग्लासेस की बात करूँ, थोड़ा सा टिंटेड ग्लास आपको मिलते हैं ताकि UV रेज वगैरह जो आपको अंदर ना आए। रेन सेंसिंग वाइपर आपको मिल जाती है गाड़ी में, और ऐसा कुछ हाइट जो है 1400mm का कुछ इसमें आपको हाइट मिल जाता है। गाड़ी की लेंथ अच्छी खासी है, फ्रंट बम्पर से लेकर रियर बूट तक यहाँ पर आपको ठीक ठाक व्हील बेस मिल जाती है, और गाड़ी देखने में साइड से बहुत आई कैचिंग लग रही है। बट यहाँ पे आते हैं रियर लुक की, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है LED टेल लैंप्स, जो कि ऐसा कुछ मेरे को कुछ ऐसा खास लगा नहीं इसका डिज़ाइन वाइज, बट ठीक है देखने में भी अच्छा लग रहा है, डिसेंट है, कोई भी ऐसा
आई कैचिंग तो मैं मेरे हिसाब से नहीं बोल सकता, बट देखने में कोई भी बुरा नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपको 6 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, रिवर्स में भी कोई भी 360 कैमरा आपको नहीं मिलेगा। मर्सिडीज बेंज के यहाँ पे आपको अंदर में बैजिंग मिल जाती है। ए क्लास 200D जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आपको मिल जाता है, मर्सिडीज की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। यार 48 लाख रुपए में ये गाड़ी आप कंसिडर करेंगे, अदरवाइज या फिर आप कोई SUV में जाएंगे, मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी ये गाड़ी अभी तक बाहर से जो भी अपन देख रहे हैं। अंदर वाइज तो जाएंगे भाई, फीचर वाइज देखेंगे तो गाड़ी मर्सिडीज जो है मेरे को पर्सनली पसंद आती है। लग्जरी बोलूँ गाड़ी में है बिल्कुल, परफॉर्मेंस भी बोलूँ तो है, बट जैसे कि और भी कम्पीट कर सकते हैं BMW, ऑडी या फिर मर्सिडीज में बोलोगे तो देखो लग्जरी चाहिए तो मर्सिडीज, परफॉर्मेंस चाहिए तो BMW और दोनों चाहिए तो ऑडी ले सकते हो। खैर एनीवेज जोक्स अपार्ट, यहाँ पे आते हैं और बूट को करते हैं पर ओपन। देखिए ये हो चुका है बूट ओपन। यहाँ पे आपको मिलने वाला 395 लीटर का बूट स्पेस और साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील भी दिया जाता है। ठीक है भाई, एटलीस्ट यहाँ पे आपको छोटा मोटा बैग वगैरह आ जाएगा, इसलिए स्पेस इतना कि बड़ा बैग छोटा बैग मिलाकर रख सकते हैं। स्पेयर व्हील गाड़ी में दे रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेस की मर्सिडीज़ में दिक्कत आती है। इवन ई क्लास में भी आपको बूट में रख देते हैं तो बूट पूरा भर जाता है तो उसको यूटिलिटी नहीं हो पाता अच्छे तरीके से। नंबर प्लेट में यहाँ पे आपको LED सेटअप मिल जाती है और रिवर्स कैमरा जो यहाँ पे आपको बाहर निकल के आ जाता है। इसको करते अपन बंद। ओवरऑल गाड़ी जो है यहाँ पे ऐसा कुछ निकल के आता है, 66 लीटर का यहाँ पे आपको डीजल टैंक दिया जाता है ऐसा कुछ बढ़िया तरीके से। इसको अनलॉक करते हैं, ये देखिए डीजल टैंक और DEF का भी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। आपको सभी पता है BS6 फेज 2 की गाड़ी में आपको ये चीज़ मैंडेटरी हो जाता है। हमने देखा गाड़ी का आउटर लुक, अब चलते हैं मेन गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर तो असली मज़ा यार, बाहर बाहर से तो लग्जरी गाड़ी दिखती है लेकिन जब अपन अंदर बैठेंगे तो इसका और मज़ा आपको मिलेगा। जैसे कि आपको पता है सारे इंटीरियर का खेल होता है सारे लग्जरी गाड़ियों में। यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहले सॉफ्ट टच और यहाँ पे आपको ठीक ठाक सॉफ्ट टच क्वालिटी का वुडन फिनिशिंग यहाँ पे आपको दे दिया जाता है। मेमोरी फंक्शन सीट्स 1, 2, 3 मोड्स आपको मिल जाते हैं। ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। चारों विंडो पावर डाउन शिफ्ट के साथ आते हैं। लॉक अनलॉक के बटन सिल्वर टोन में, यहाँ पे आपको डोर ओपनर मिल जाते हैं और विंडो के लॉक यहाँ पे बटन दे दिया जाता है। बूट आपको यहीं से ओपन करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। बॉटल होल्डर और डिसेंट साइज का स्पेस आपको मिल जाता है। स्पीकर की बात करें यहाँ पे आपको 1, 2, 3 और 4, 5 मतलब मोटा मोटा 8 to 9 सेटअप यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक सीट्स बढ़िया से दे दिए जाते हैं। लंबर सपोर्ट की बात करें इसको आप मैन्युअली ओपन और ऑफ कर सकते हैं, इसका कोई इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब बात आते हैं यहाँ पे आपको जो बैक सपोर्ट चाहिए उसके लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मर्सिडीज़ के जो बढ़िया तरीके से ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ये आपका क्या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिमिंग लाइट, और यहाँ पे आपको मिल जाता है पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिक वाला, बड़े तरीके से यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। AC वेंट्स की बात करें यहाँ पे आपको पता ही है भाई मर्सिडीज़ के AC वेंट्स कितना फेमस है, यहाँ पे आपको लाइट जलता हुआ मिल जाएगा। चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अपन इस गाड़ी के इंटीरियर में आ चुके हैं। सबसे पहले बात करें स्टेयरिंग व्हील के, कोई भी यहाँ पे आपको डिकट स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलेगा। सारे मीडिया के कंट्रोल्स और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर जरूर से दिया गया है क्योंकि इसमें आपको 7-speed DCT गाड़ी में मिल जाती है। ये आपका गियर लीवर और इंडिकेटर वगैरह वाइपर वगैरह यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी में आपको मिल जाता है टिल्ट, ठीक है, टेलीस्कोपिक। भाई 48 लाख की गाड़ी में ये सब दोनों कैसे नहीं देगा, नहीं देगा तो फिर मज़ा किस बात का। जैसे इस इवेंट्स में मैंने बताया लाइटिंग आपको मिल जाती है एम्बिएंट लाइट, जो आपको मर्सिडीज के हर एक गाड़ी में भर भर के मिलेगा, और इसी वजह से जो इंटीरियर का प्रेजेंस है ना चार चांद लग जाता है उसमें। 10.25 इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको गाड़ी में मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे आपको बढ़िया से दिया गया है और सारे के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आप कर सकते हैं, रेंज वगैरह टेस्ट वगैरह। और ये आपका जो टच पैड यहाँ पे आपको बढ़िया से मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आप नेविगेशन वगैरह भी बढ़िया से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बढ़िया से स्पीडोमीटर मिल जाता है, डिस्टेंस वगैरह, नेविगेशन वगैरह, ट्रिप वगैरह जो भी आपको देखना है देख सकते हैं बढ़िया से इसको हटा के। मीडिया के कंट्रोल्स और इंफोटेनमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का स्टाइल कैसा चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या यहाँ पे स्पोर्ट्स चाहिए, प्रोग्रेसिव चाहिए, सारा कुछ सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए अभी स्पोर्ट्स पे, क्लासिक पे ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए पूरा चेंज हो गया यहाँ पे, आप देखिए ऐसा कुछ बढ़िया तरीके से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये सब लग्जरी ब्रांड में डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाती है, ये आपका आर्मरेस्ट ग्लव बॉक्स के साथ छोटा वाला, बट यहाँ पे आपको मिल जाती है छोटा साइज का आर्मरेस्ट, और कोई भी स्लाइडेबल का ऑप्शन नहीं है।
टच पैड आपको यहाँ पे यूज़ करना है, तो यहाँ से आप टच पैड करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैक्शन ऑन ऑफ और यहाँ पे आपका रिवर्स कैमरा का जो भी आपको देखना वगैरह है कोई भी दिक्कत नहीं है। पार्किंग वगैरह डायनेमिक्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाती है। इको कम्फर्ट और स्पोर्ट्स और इंडिविजुअल जो भी आपको मोड में गाड़ी चलाना है यहाँ पे आपको चार मोड मिल जाते हैं बड़े तरीके से। नेविगेशन मैप अगर यहाँ पे आपको चलाना है ये भी आपको फुल स्क्रीन में बढ़िया से मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। वायरलेस चार्जर, सी टाइप सॉकेट और यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर भी दे दिया जाता है। इसको आपको थोड़ा सा लॉक करके रखना तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है, और इसको अदरवाइज इसको आप बंद करके चला भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिंक करना है, जो भी करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड सेक्शन यहाँ पे है, इंफोटेनमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ग्लव बॉक्स की बात करें डीप स्पेस के साथ मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं, और यहाँ पे आपको कूल फीचर के साथ ये चीज़ दिया जाता है। ऑटोमेटिक IRVM सेंटर की बात करें यहाँ पे आपको बढ़िया सा रूफ दिया जाता है पैनोरामिक वाला, और व्यू भी ऐसा है छोटा सनरूफ नहीं बड़ा सनरूफ दिया जाता है। माइक जगह एक और दो माइक यहाँ पे आपको दिया जाता है। एम्बियंट लाइट यहाँ पे आपको बढ़िया से कनेक्टेड वाले डोर से मिल जाएंगे, और दोनों साइड जो है मेमोरी फंक्शन के सीट्स दिए गए हैं, ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। भाई आपका क्या रहा है 48 लाख रुपीज में इस गाड़ी को आप कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। मर्सिडीज देखो भाई मेरे को पर्सनली एक खास बोली तो पसंद भी है, जब इस गाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा तो भी मजेदार है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं गाड़ी के थोड़ा सा रियर की ओर चले, तो रियर में आपको थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आपको ज्यादा, आपका हाइट है तो थोड़ा सा थाई सपोर्ट की ज्यादा ही कमी हो जाएगी, बट दो एडल्ट के लिए बढ़िया सा है और एक चाइल्ड के लिए बढ़िया सा है। बाकी तीन हेल्दी एडल्ट्स यहाँ पे आपको थोड़े बैठने में कंजस्टेड होगा, पर एक ठीक ठाक जर्नी में आप जा सकते हैं। रियर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं, LED केबिन लैम्प, पीछे में हेलोजन दिया, और हेलोजन और LED दोनों मिक्स है, बट इसको ऐसा बोल सकते हैं दोनों ही आपको मिक्स मिल जाता है, कोई भी प्रॉपर LED और फिर हेलोजन नहीं मिलता है। आमरेस्ट जरूर से दिया गया, तीन हेडरेस्ट। सेफ्टी की बात करें गाड़ी में आपको ABS, CVT, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, तो ये सारी चीज़ें मिलती है। 7 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है, ठीक है। बाकी 3 सीट बेल्ट तो रियर में तो है ही। एम्बियंट लाइट यहाँ पे आपको डोर ट्रिम्स में यहाँ पे आपको नीचे मिल जाती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सी टाइप सॉकेट एक रियर में भी दे दिया गया, एसी वेंट्स तो आपको मिलते ही हैं। बाकी ये स्पेस ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। थाई सपोर्ट की थोड़ी कमी लगी मेरे को, और जिस वजह से थोड़ा सा कम्फर्टनेस यहाँ पे नहीं मिल पा रहा। चलाने बाइस तो काफ़ी स्मूथ है, डीजल इंजन लेंगे तो आपको स्मूथनेस तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे पेट्रोल में लेंगे तो आपको साइलेंट ज़्यादा फील हो सकता है इस मर्सिडीज़ के ए क्लास में। बाकी मज़ेदार है चलाने में। तो भाइयों जैसे कि आपने देखा ये गाड़ी मर्सिडीज ए क्लास 200D 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल रहा है, जो कि प्रोड्यूस करता है 161 BHP, और निकालता है कितना निकालता है 250 Nm टॉर्क डीजल निकाल के देता है, 320 Nm का टॉर्क, और परफॉर्मेंस वाइज तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, चलाने में मज़ेदार काफ़ी बढ़िया लगता है। तो ठीक है गाइस, होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए जाना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।